कटनी के नीलकंठेश्वर धाम में महाशिवरात्रि के अवसर पर महाआरती के साथ भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। इसके साथ ही नीलकंठेश्वर धाम में भगवान भोलेनाथ के गानों पर रंगमंच का आयोजन भी किया गया, जिसमें ग्रामीण अंचलों से लाखों श्रद्धालु भंडारे तथा भजनों को सुनने के लिए पधारे। भारत में महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में जगह जगह शिव मंदिरों में कार्यक्रम किए जाते हैं। इस कड़ी में नीलकंठेश्वर धाम में भी भोलेनाथ के गानों पर रंगमंच और भंडारे का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रख्यात मशहूर भजन गायिका संजू सिंह बघेल ने अपने भजनों की प्रस्तुति दी। इनके भजनों को सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए। वहीं विजय राघवगढ़ विधायक संजय पाठक ने भंडारे में आए श्रद्धालु जनों को स्वयं बैठाकर भोजन कराया। नीलकंठेश्वर धाम के सह संचालक बाबू रंजन ग्रोवर ने 2 दिवसीय महाशिवरात्रि कार्यक्रम में आए सभी श्रद्धालुओं का आभार जताया। पुलिस प्रशासन का भी इस आयोजन को सफल बनाने में पूरी सहायता मिली। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर हम पर सभी पर बनी है। कल बहुत ही अद्भुत नजारा था यहाँ पर, जब भगवान भोलेनाथ का यहाँ से बारात हुई। और ये नीलकंठेश्वर धाम हमारे जिले में हो गया है। जब हम कल कटनी से आ रहे थे, दोनों तीनों चारों दिशाओं से लोग, कोई सतना से आ रहा है, कोई मैहर से आ रहा है, कोई रीवा तरफ से आ रहा है, कोई शेडोल उमरिया तरफ से आ रहा है, कोई कटनी, चारों दिशाओं से लोग यहाँ पे आ रहे थे। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।